सबसे पहले खोली गई शराब की दुकान। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के शहर मुंबई में 4 मई सोमवार के रोज से पूरे मुंबई महानगर में वाइन शॉप यानी शराब की दुकान खोली गई, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में शराब बेची जा रही है। मरीन लाइन, मेट्रो, चर्च गेट, दादर, माहिम, इनमें से कई इलाके तो रेड जोन में है, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल गरीबों, लाचारों और मजबूरों को इसका फर्क पड़ता है। जो दो वक्त के अनाज रोटी रोजी के लिए घर से निकलते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, जैसे कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो जिसकी कोई जमानत भी ना हो। वाह रे सरकार, ऐसी सरकार को सैल्यूट है, और वह ऐसे अधिकारी जिसने ऐसा कदम उठाया है। लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल खुल ही जाएगा, परंतु ये हमेशा सबको याद रहेगा कि सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो भी पुलिस की निगरानी में, पुलिस की देखरेख में और कड़े बंदोबस्त से। अफसोस है ऐसे इंसानों की सोच और ऐसे अधिकारियों के कार्यकाल पर और ऐसे नेताओं पर जो चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वाइन शॉप पे लाइन देखो, दारू की दुकान में दर्जी देखो। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई असर ही नहीं हो रहा है। दारू के लिए पब्लिक खड़ी है, वाइन के लिए देखो। कोरोना वरोना सब खत्म हो गया दारू के चक्कर में, कोई असर नहीं है कोरोना का। रेड जोन है और ये मुंबई का रेड जोन है। बोलो, रेड जोन में इतना सीधा अच्छे दारू बिक रहा है, तो लाइन देखो कितने घंटे। चल दो बस। और ये भी देखिए कि किस तरह हरियाणा में शराब पीकर एक वाहन चालक कार चलाते हुए किसी के घर में कैसे घुस गया और कितनी तबाही हुई। ये रात को 1 बजे का हाल है, हमारे घर में दारू पी के गाड़ी ठोक दी है, पूरी दीवार खत्म कर दी है। गाड़ी हम घर के अंदर थे, हम लोग सब के सब बहुत मुश्किल से बचे हैं। ये हमारे 2 लाख रुपए की गाड़ियां, यहाँ स्कूटी बाइक सब की सब दब गई हैं। हाँ जी, हाँ ले ली। ये थी हमारी शराब की दुकानें खुल जाने पर पूरी जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।